मैं हूँ आरजे गौरव, देहरादून का सबसे बड़ा वेला, और मेरे साथ बात करने के लिए भाई बॉलीवुड के जबरदस्त प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्होंने प्रेम लीला से लेके हुक्का बार से लेके एंड देन गो गोविंदा से लेके एक से बढ़कर एक सुपरहिट इन्होंने बॉलीवुड को दिए हैं। अमन त्रिघा मेरे साथ में है। तो भाई सबसे पहला सवाल, क्या चल रहा है आजकल घर पर? भाई टीवी चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, मोबाइल तो चल ही रहे हैं, और झाड़ू चल रहा है, पोचा चल रहा है, बर्तन चल रहे हैं, और बहुत सारी क्रिएटिविटी चल रही है, बहुत सारी डिस्कशनें हो रही हैं, बहुत सारा मंथन हो रहा है, तो घर पे यार यही सब होता है। ऑल राइट, तो भाई घर पर क्या नए सॉन्ग्स या नया म्यूजिक बना रहे हो क्या? बिल्कुल, घर पे अब जब इतना टाइम है और एक फोकस की बात होती है कि आपको वो समय मिले और वो एक स्पेस मिले जहाँ पे आप क्रिएटिव काम कर सकते हैं, नई क्रिएशंस कर सकते हैं, नए गाने बनाने की जो है आइडियाज सोच सकते हैं, एंड आई होप कि इस दौर में अच्छा कुछ संगीत निकले मेरे हवाले से। ओके, और आजकल किस सिंगर या म्यूजिशियन को बहुत सुन रहे हो ये बताओ ना। मैं आजकल काफी लोगों को सुन रहा हूँ, ज्यादातर हाल फिलहाल में मैं जिनको सुन रहा हूँ वो है प्रिंस, बाहर के बहुत, अमेरिका के बहुत बड़े लेजेंडरी म्यूजिशियन थे, और ऐसा म्यूजिक उन्होंने करके छोड़ दिया है कि सुनने आप जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि हर जॉनर में रॉक, जैज, ब्लूज, फंक, R&B, आजकल के मैं कहता हूँ जितने भी मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, राइट फ्रॉम ब्रूनो मार्स टू एवरीवन, रिहाना, जितने भी बाहर के इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो सब इंस्पायर हुए हैं प्रिंस से, यहाँ तक कि माइकल जैक्सन भी एक हद तक बहुत इंस्पायर होते थे, और ही वॉज हैविंग अ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन विद प्रिंस। उनको मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके हर गाने को, एंड एवरी सॉन्ग इज सो डिफरेंट, और मैं जितना सुन रहा हूँ उतना ही मैं पागल हो रहा हूँ इतना मैं कह सकता हूँ। ऑल राइट, बॉलीवुड में या म्यूजिक इंडस्ट्री में कौन ऐसा पर्सन है जिनसे आजकल बहुत बातें हो रही है ये बताओ। बॉलीवुड में बहुत सारे जो हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के दोस्त हैं, जो कलीग्स हैं, जो सीनियर्स भी हैं, उनसे काफी बातचीत हो रही है। सोनू निगम दा है, हमें सोनू दादा बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी बहुत, ही इज लाइक वन ऑफ माय बिगेस्ट आइडल्स। काफी और भी लोग हैं जिनके साथ अभी कुछ ना कुछ, जैसे हम अपनी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से इस कोरोना वायरस की जंग में हम जुटे हैं, तो हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक आर्टिस्टिक तौर से, जैसे सॉन्ग्स हम बना रहे हैं, जैसे मिल के सारे आर्टिस्ट अपने अपने घरों से डेडिकेट कर रहे हैं, तो उस तरीके से काफी आर्टिस्ट से बातचीत हुई है। इनफैक्ट इतने टाइम में मैं कहता हूँ कि हम इतनी लाइफ में बिजी होते हैं, बहुत कम टाइम मिलता है कि हम खुल के और आराम से बात कर सकें, तो इस वक्त काफी लोगों से बातचीत हुई है और एक तरीके से वो अच्छा लगा। अच्छा भाई एक बात बताओ, जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा ना, सबसे पहला काम क्या करोगे आप? लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहला काम मैं जो करूंगा वो शुक्र अदा करूंगा, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा कि थैंक गॉड आपने हमें इस जो महासंकट और महामारी जो फैली थी उस महामारी से मुक्त किया, और इस दुनिया में फिर से जो एक नॉर्मल सी जिंदगी थी उसको बिताने का फिर से एक मौका दिया। जी 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 भाई, ये 21 डेज के लॉकडाउन को लेकर आपकी तरफ से क्या मैसेज है हमारे लिसनर्स को? 21 दिन के लॉकडाउन को लेके मैं यही संदेश अपनी तरफ से देना चाहता हूँ जितने भी सुनने वाले हैं, कि प्लीज कृपया करके अपने घर पे बने रहिए इन 21 दिनों के लॉकडाउन में, और सरकार के द्वारा जो भी निर्देश आते हैं उनका पालन कीजिए, उनकी अवहेलना ना कीजिए, क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए ही बोल रहे हैं, क्योंकि इस वायरस को हराने का एकमात्र जो तरीका है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, अपने आपस में जो हमारी दूरियां हैं वो फिजिकल दूरियां बनी रहें, दिलों की दूरियां ना बनी रहें, इसलिए मैं आपके साथ अभी भी रूबरू हूँ रेड FM के माध्यम से। सो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने फैमिलीज के साथ बने रहिए, घर में रहिए, बाहर फिजूल ना जाए, जाना भी पड़े बहुत जरूरी काम से, अगर कुछ घर के सामान की शॉपिंग करनी है तो पूरी एहतियात बरत के जाएं, घर पे आते ही अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, बहुत अच्छा होगा अगर नहा लिए आप, और आपको घबराना नहीं है, आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, म्यूजिक सुनते रहिए, रेड FM बहुत सारे आपके लिए गाने बजा रहा है और बहुत सारा मनोरंजन कर रहा है आपका, घर पे रहिए, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप। बहुत सही भाई, बहुत सही। अच्छा तो कोई एक सॉन्ग जो आजकल के सिचुएशन को लेकर आप गाना चाहते हो? ये गाना जो किशोर दा का बहुत ही प्यारा गाना, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, इसका मैंने बनाया था। आप अगर कोरोना से मिले तो हाथ साबुन से धोते रहें,
बाहर ना निकले घर पे ही रह कर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आप अगर कोरोना से मिले तो हाथ साबुन से धोते रहें। क्या बात है भाई, थैंक्स अ लॉट साथ में जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए। रेड एफएम 93.5 का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, और देहरादून के सबसे बड़े वेले आरजे गौरव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने मुझे न्योता दिया अपने वेलापंती शो में और आप सबसे रूबरू होने का मौका।